तो गाइस इस वीडियो में आपको बताएंगे क्रेडिट भी लोन एप्लीकेशन से जब लोन लेते हैं तो इसमें आपको रेफरल कोड जो डालना होता है वो आपको कहाँ डालना होता है। ओके तो यहाँ पर कहते आपको बता देंगे, यहाँ पे जब एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपसे यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है। ओके उसके बाद गाइस आप नेक्स्ट स्टेप पे जब आएंगे लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे लॉग इन करना होगा आपको अपने मोबाइल नंबर से। ओके जब मोबाइल नंबर से आप लॉग इन कर लेंगे फिर यहाँ पे क्या आएगा, ये सेक्शन आएगा लैंडिंग पार्टनर की सारी चीज़ें लिखे होंगे, आपको यहाँ पे इसको रीड करना है और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। ये तीन स्टेप जब आप कर लेंगे तो चौथा स्टेप जो आपके सामने आता है वो ये होता है कि डू यू हैव अ रेफरल कोड, और यहाँ पे आपको रेफरल कोड एंटर करना होता है। अब रेफरल कोड कहाँ मिलेगा गाइस, आपको वीडियो का जो मेरा टाइटल है डिस्क्रिप्शन है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको एक रेफरल कोड मिलेगा। आपको करना है क्या कि सिंपली आना है इस बॉक्स में और यहाँ पे आपसे बोला जाएगा रेफरल कोड एंटर करने के लिए, आपको रेफरल कोड जो है वो एंटर कर देना है। ओके और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। ओके जैसे आप उसको सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका रेफरल कोड जो है, जो रेफरल कोड हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो यूज्ड हो जाएगा और आपका यहाँ पे काम कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अगर एप्लीकेशन लेना, अगर एप्लीकेशन डाउनलोड अगर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो लोन ऐप से चेकआउट कर सकते हैं।